हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पावर मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि मैं अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँ आप लोगों के साथ, एंड आई हैवन शेयर्ड एनी क्लीनिंग रूटीन इन अ लॉन्ग वाइल। सो आई थॉट टुडे इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन आई कैन शो यू हाउ आई ऑर्गेनाइज एंड क्लीन अप माई होम इन अबाउट 45 to 50 मिनट्स। तो देखिए, इस तरीके से पूरा मेस्ड अप रहता है मेरा घर। मॉर्निंग का टाइम है अभी, इट्स अबाउट 9:20, जब मेरे हस्बैंड एंड मेरा बेटा दोनों ही निकल चुके हैं घर से। सो बस इसी टाइम पे मैं अपना क्लीनिंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ, बिकॉज किचन इज़ द हार्ट ऑफ माई होम, एंड इफ़ माई किचन इज़ क्लीन इट गिव्स मी इनर सेटिस्फेक्शन, एंड मुझे लगता है कि मेरा 50% घर क्लीन हो चुका है। तो सबसे पहले जो भी काउंटर टॉप पर सामान रखा होता है उसको मैं उसकी जगह पर रख देती हूँ। उसके बाद जो ये बर्तन स्टैंड है, इसमें जो भी बर्तन रात के होते हैं उनको मैं उनकी जगह पर लगा देती हूँ। उसके बाद बाकी की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। हमारे इंडियन घर में अक्सर ऐसा होता है कि हम सुबह चाय बनाते हैं और एक्सीडेंटली वो स्पिल हो जाती है जल्दी जल्दी में। तो आज ये एक्सीडेंट मेरे साथ भी हुआ, तो मैं ये ओवन क्लीनर यूज़ करती हूँ, इजी ऑफ का। इट इज़ वेरी नाइस, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट इन वन ऑफ माय ब्लॉग वीडियोस। तो बस मैंने स्टफ को थोड़ा सा गीला करके उस पर जो ओवन क्लीनर है उसको स्प्रे कर दिया है, एंड आई लेट इट सिट फॉर अबाउट 5-10 मिनट्स। तब तक मैं अपने सारे बर्तन जो हैं वो वॉश कर लूँगी, और साथ ही साथ मैं अपने सिंक को भी मॉर्निंग में ही क्लीन कर लेती हूँ। तो डेली में मैं अपने सिंक को बस डिश वॉशिंग लिक्विड से ही स्क्रब कर लेती हूँ। अगर आपका सिंक बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा स्प्रिंकल करके उसको छोड़ सकते हैं, 5 से 10 मिनट बाद आप उसको स्क्रब करें, तो आपका जो सिंक है वो बिल्कुल शाइन करेगा, बिल्कुल नया जैसा। तो चलिए अब स्टफ को क्लीन करते हैं। बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करना पड़ता इस इजी ऑफ ओवन क्लीनर से, बस हल्का सा मैं स्क्रब करूँगी और जो भी बर्नड गंक है वो सारा आसानी से निकल आएगा। और ये देखिए, कॉटन टॉवल से मैं इसको वाइप कर लूँगी, और अभी मेरा सिंक ओवन जो है वो बिल्कुल न्यू जैसा शाइन करेगा। मैं ये कॉटन टॉवल्स ही यूज़ करती हूँ अपनी क्लीनिंग के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं। तो जो भी पुराने टॉवल्स होते हैं उनको मैं अपना क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ, एंड आई थिंक हम इंडियन लेडीज़ सभी इसी तरीके से अपने सामान को मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हैं। तो देखिए, मेरी किचन एकदम क्लीन हो चुकी है। अब चलते हैं लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया को क्लीन करते हैं। तो मेरे डाइनिंग टेबल पे मेरा लैपटॉप रखा है, मॉर्निंग के टाइम पे अनिरुद्ध जो है राइम्स देख रहा था। तो सबसे पहले मैं अपने जो वर्क स्टेशन है उसको क्लीन करूँगी, उसके बाद अपना लैपटॉप वहाँ रखूँगी, और फिर उसके बाद अपने डाइनिंग टेबल को भी वाइप कर लूँगी। सभी के घर में सोफ़ा पे लोग बैठते हैं, बट मुझे लगता है कि मेरे घर पे मेरे बेटे के टॉयज़ बैठते हैं। वो सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले सारे अपने टॉयज़ को देखकर उनके साथ खेल कर जाता है, और बस उसके टॉयज़ अभी मैं ऑर्गेनाइज़ करते करते अपने पेरेंट्स से भी बात कर रही हूँ इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इस टाइम पर रात का टाइम होता है, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब मैं अपने पेरेंट्स से आराम से बात करती हूँ। और आई थिंक हम सारी इंडियन लेडीज़ बहुत मल्टीटास्किंग होती हैं। मेरे घर में जो भी एक्सपोज्ड फर्नीचर है उसको मैं डेली डस्ट ज़रूर करती हूँ, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा गंदा कभी भी ना दिखे। तो बस लिविंग रूम की क्लीनिंग हो चुकी है, तो चलते हैं अब अपने बेडरूम में, और बेडरूम की हालत भी आप देख ही रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रखा है अभी। और मैंने अपने ड्रेसर पे ये टेबल रनर लगा रखा है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और इससे ड्रेसर भी गंदा ज़्यादा नहीं होता है। तो मॉर्निंग में मैं जितनी भी क्लीनिंग करूँ, आई नो विद अ किड एट होम आई वोंट बी एबल टू मेंटेन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एज सून एज ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल एवरीथिंग विल बी मेसी अगेन, बट मॉर्निंग में एक बार क्लीनिंग करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, घर को एकदम ऑर्गेनाइज देखना मुझे बहुत पसंद है। तो बस अब सब क्लीनिंग हो चुकी है, अब मैं अपने पूरे घर में वैक्यूम लगा लूँगी, और वैक्यूम लगाते लगाते फ्लोर के साथ साथ जो मेरे मैट्स होते हैं उनसे भी डस्ट मैं निकाल लेती हूँ। अगर आप अपने घर की डेली क्लीनिंग करते हैं, हर एक पार्ट को थोड़ा थोड़ा ही सही डेली क्लीन करते हैं, तो आपके घर को कभी भी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि आप सभी जानते हो, मेरे घर का जो फ्लोर है वो वुडन है, सो आई डोंट मॉप इट डेली, बट आज मैंने सोचा कि वीडियो के पर्पज़ से मॉप भी कर लेती हूँ। वंस इन अ वीक मैं ज़रूर मॉप करती हूँ अपने फ्लोर को,
और बस क्लीनिंग करने के बाद मैं एक कैंडल ज़रूर लाइट अप करती हूँ जस्ट टू फिल माई होम विद अ फ्रेश अरोमा। तो आज की क्लीनिंग वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी एंड आपको कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी इस वीडियो को देख के। अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड अगर आपने मेरे घर का अभी तक हाउस टूर नहीं देखा है सो आई लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। Thank you so much for watching this video. We will meet soon again in another video. Till then, you take care. Bye. Love you all.